Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Good morning to you all. Today's morning Hukum Nama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Pagat Ravidas Ji in Rakhsoret Ang 658 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Today's Hukum Nama is a conversation between Vahiguruji Ji and Pagat Ravidas Ji. It's a great message of liberation. How to go beyond your expectations and love unconditionally. How to feel the sense of freedom. If I am bound by the noose of emotional attachment, then I shall bind you, Lord, with the bonds of love. Apane jatan karo ham chute tum arade. Go ahead and try to escape. लॉर्ड आई हैव स्केप्ड वाई वर्शिपिंग एंड डोरिंग यू माधु जानत हहू जैसी तैसी ओ लॉर्ड यू नो माई लव फर यू अब कहाँ करूँगे ऐसी रहा नाव वट विल यू डू ना लेट्स रिलेट दिस विदअ डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंटेड टूडे देर वॉज अ मैन जिसको अपने बॉस से बात करनी होती है सैलरी रेज के लिए पर वो बहुत हेजिटेंट होता है उसको शर्म आती है उससे बात करते रोज़ सोचते हैं आज मैं बात करूँगा पर रोज़ शर्म के मारे बात कर नहीं पाता तो एक दिन बहुत सारा करेज गैदर करके अपनी वाइफ के कहने पे उसकी वाइफ उसको इनकरेज करती है और सुबह जाता है और अपने बॉस से बात करता है। बॉस इज़ मोर देन हैप्पी टू तो डू दैट वो ऑर्डर्स इशू कर देते हैं सैलरी रेज के शाम को जब वो घर आता है तो वो देखता है कि एक डाइनिंग टेबल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है उसके ऊपर अच्छी अच्छी क्रॉकरी सजी हुई है उसके बीच में बहुत अच्छा खाना है वेरियस डिशेज आर देर कैंडल्स आर लिट अप, उसको देख के बड़ी हैरानी होती है वो सोचता है कि शायद मेरे आने से पहले ही ऑफिस से इसको इन्फॉर्म कर दिया गया है तो वहाँ पे वो देखता है देर इज़ अ स्लिप जिस पे लिखा होता है कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस तो उसकी वाइफ उसको फूड सर्व करने लगती है बाय चांस वाइफ के एप्रन से एक स्लिप गिर जाती है जब वो अंदर से डेजर्ट लेने जा रही होती है वो स्लिप उठाता है तो उस पर पड़ता है स्लिप विच सेज दैट डोंट वरी डार्लिंग इफ यू हैवेंट मेड इट दिस टाइम

Even then, she loves him. Uske success or failure se wife ko koi farak nahi She is always standing by his side like a strong pillar. So this is what unconditional love is. This is what Bhagat and Vahigruji Ji there is a conversation that, Oh Lord, I have actually removed my emotional attachment with the materialistic things because all these those things are transitory so i have removed my emotional attachment but i have my unconditional love for you you give me failure you give me success you fulfill my desires or you don't fulfill my desires still i shall love you so now there is one assignment for you to do आज देखिए कि कौन कौन से लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करते हैं जो हमेशा स्ट्रोंग पिलर बन के आपके साथ खड़े हुए हैं टुडे इज़ अ डे ऑफ एक्नॉलेजमेंट देम। उनको अप्रिशिएट कीजिए बिकॉज दे आर द पीपल हु आर अनकंडीशनली सपोर्टिंग यू पर ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपनी जिंदगी में ध्यान से देखोगे यू नीड टू कॉन्शियसली लुक इन टू योर लाइफ तो आज इस असाइनमेंट को कीजिए एंड देन लेट मी नो व्हाट डिड यू फाइंड टेक केयर बी बैलेंस्ड बी हैप्पी